हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत गौरी रिप्रेजेंटिंग शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप एंड आई होप यू ऑल आर वेल सेफ एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस। सो टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट दिस चैप्टर नंबर 13। व्हाट यू हैव सीन द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अर्लियर एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। इसमें कुछ और एड ऑन करना हूँ कुछ क्वेश्चंस को मैं, सो दैट आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन पे, दैट इज चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। तो वो इसलिए आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो वो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो वी विल टेकिंग वन बाय वन एक्सरसाइज 13.1 में से आई एम टेकिंग 2-3 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज उसमें से भी मैं ले लूँगा 2-3 क्वेश्चंस और, ठीक है ना। सो वी विल टेक क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 5 विल टेक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5th में आई विल नॉट टेल यू वेदर दिस अ केस ऑफ इनवर्स और डायरेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, ठीक है ना। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स, तो आई विल मेक दिस बॉक्स, ठीक है ना। ये बॉक्स बनाते हैं हम, इसमें वही दो कॉलम जैसे हम बनाते थे, तो एक तो एनलार्ज्ड हाउ मेनी टाइम्स है, एनलार्ज्ड टाइम्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कितने टाइम्स एनलार्ज करा, बैक्टीरिया होता है ना छोटा सा होता है, उसे एनलार्ज करके देखा जाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं एनलार्ज करके उसे हम, तो यहाँ पे एक 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज किया गया, ठीक। 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो उसने लेंथ अटेन करी, यानी लेंथ, हाउ मच लेंथ इट हैज़ अटेन्ड इज 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ रही लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें निकालना है कि अगर उसको वन टाइम ही एनलार्ज किया जाता तो क्या होता, ठीक है ना। तो अब ये समझें कि 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया उसको, एनलार्ज्ड, देन इट अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो इफ इट्स एनलार्ज वन टाइम, सो कितनी लेता हो, 5/50,000, तो 5 से काट देंगे इसको, 1 और 4 0 मीन्स 1/10^4, और वी कैन से 10^-4, गॉट इट और नॉट। मतलब उस बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वन टाइम उसको अगर हम करते तो वो 10^-4 वेरी स्मॉल, 10^-माइनस में जा रहा है, मतलब बहुत छोटा है वो, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 10^-4। सेकेंड पार्ट, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, यानी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 20,000 टाइम्स उसको एनलार्ज कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट टू फाइंड वॉट लेंथ इट विल अटेन, वो बैक्टीरिया कितनी लेंथ अटेन कर लेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, 50,000 टाइम्स अगर उसको हमने एनलार्ज किया तो 5 सेंटीमीटर हुआ, तो अगर मैं उसको सिर्फ 20,000 टाइम्स ही एनलार्ज करूँगा तो लेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। देखो यहाँ पर ये चीज़ घटी, समझना बात को, उसका नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियस बात है उसकी लेंथ भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, छोटा, और तो उसको कम करेंगे एनलार्ज तो क्या होगा, वो और छोटा दिखेगा हमें, ठीक है ना। तो इट इज़ अ केस ऑफ दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी घट रहा है ये भी घट रहा है, तो इट इज़ अ केस ऑफ वॉट, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशन हमने पहले ही पढ़ ली है, आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत इजी थी, x1/y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो x1/y1 कांस्टेंट चलता है इसमें, ठीक है ना। तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, इसको सॉल्व करते हैं तो x1 इज 50,000/5 इज इक्वल टू 20,000/y2, y2 वी हैव टू फाइंड हाउ मच लेंथ इट विल अटेन इफ इट विल बी एनलार्ज 20,000 टाइम्स, तो y2 को निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो y2 इज इक्वल टू, y2 इधर आ जाएगा क्रॉस में और ये 50,000 नीचे चला जाएगा, तो y2 इधर आ गया, तो 20,000 एज इट इज अपनी जगह पे, इनटू 5 ऊपर और उधर से 50,000 नीचे, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 1, 2, 3, 4 0s विल कैंसिल्ड आउट, 5 से 5 कट जाएगा वन टाइम, तो द आंसर विल बी 2, यानी 2 सेंटीमीटर लेंथ अटेन करेगा वो बैक्टीरिया इफ इट विल बी एनलार्ज्ड हाउ मेनी टाइम्स, इट विल बी एनलार्ज्ड
this 20,000 times. So I hope this question is clear for you. Clear? Now we'll take one more. एक question और लेते हैं. Question number 7 लेते हैं. बहुत interesting question है. Question number 7. और बिल्कुल practically हम जैसे सोचते हैं उसी तरह का question है. ठीक है ना? तो question number 7 we'll take. Sugar crystals. क्या होते हैं sugar crystal? जो हम खाते हैं शक्कर, चीनी खाते हैं ना हम लोग, उसके छोटे छोटे दाने, that is called sugar crystal. शुगर क्रिस्टल्स. तो क्वेश्चन नंबर 7 वील टेक. हुआ क्या इस क्वेश्चन में, सपोज 2 kg ऑफ शुगर. तो वी आर हैविंग टू थिंग्स हेयर अगेन. सो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि दो चीज़ें पूछी है ना, तो अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे आगे तक. तो शुगर क्रिस्टल्स, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना, यानी वेट ऑफ शुगर इन केजी एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स मतलब दाने, जो उसमें दाने होते हैं ना, क्रिस्टल्स छोटे छोटे दाने होते हैं, शक्कर अपन खाते हैं दाने गिर जाते हैं, वो दाने को गिन रहे हैं ये लोग एक्चुअली, व्हाट दे आर डूइंग. तो देखो 1 किलो 2 किलो शक्कर में कितने सारे दाने होंगे, अपन लेके आते हैं ना शक्कर बाजार से. तो 2 kg ऑफ शुगर, ये केजी में है, तो 2 kg ऑफ शुगर contains how many crystals? 9 × 10^6. See how many? कितने सारे हैं, 9 × 10^6 मतलब 6 0 लेंगे इसके आगे, 9 के आगे. तो 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं. अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर. अगर 5 kg शुगर कर दूं मैं यहाँ पे, समझना बात को, शुगर 5 kg कर दी, 2 किलो में इतने, तो 5 किलो में ज़्यादा आएंगे कम आएंगे ये बताओ. ज़्यादा आएंगे, बट ऑब्वियस है ज़्यादा शुगर खरीदेंगे ज़्यादा क्रिस्टल्स आएंगे. इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इसका बढ़ना तो ऑब्वियस बात है, इसका भी क्या होगा, बढ़ना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा शुगर का वैसे वैसे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी इंक्रीज होंगे. तो इसको थोड़ी देर के लिए X1Y1 मान लेता हूँ मैं, और इसको X2Y2 मान लेता हूँ, ठीक है ना. सेकेंड पार्ट में वापस कर लेंगे इसको अपन. तो वी वॉन्ट टू फाइंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना. तो इट इज़ अ केस ऑफ, केस पहचानना है सबसे पहले, इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन का जो केस होता है उसमें कंडीशन क्या होती है, X1/Y1 = X2/Y2. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ 2/9 × 10^6 = X2 = 5/Y2. वी डोंट नो Y2 इज दिस नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, क्रॉस में कर देते हैं तो 2 × Y2 = 5 × 9 × 10^6. और 2 को नीचे ले आऊँ यहाँ से, तो Y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 9 × 10^6/2. अभी 2 से कट तो रहा नहीं है, तो 9 5 हो जाएगा 45, ठीक है ना, यहाँ समझना मेरी बात को अब. तो 45/2 × 10^6, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो दैट विल बिकम 22.5. 2 से डिवाइड कर दिया इसको, और बाकी एज इट इज 10^6 को एज इट इज़ रहने दिया मैंने. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था अपन ने, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स में वी हैव कन्वर्टेड दिस. तो इस पॉइंट को जब मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मैंने बताई थी वहाँ भी ट्रिक आपको, कि राइट टू लेफ्ट जब मूवमेंट होता है तो पावर में उधर पॉजिटिव चला जाता है. यानी अगर मैं इसको 2.25 लिखूं, यानी पॉइंट को मैंने एक डिजिट शिफ्ट करके आगे ले लिया, तो दैट मींस पावर में एक प्लस हो जाएगा, यानी 10^7 ये क्रिस्टल्स आ जाएंगे हमारे पास, 2.25 × 10^7 क्रिस्टल्स. मींस अगर हम यहाँ पे देखो बढ़ गए ना, 10^7 मतलब 0 बढ़ गया एक ऑटोमेटिकली, तो ये बढ़ गए. अच्छा ये तो हुआ पहला केस, तो ये हमें फाइंड हो गया, करेक्ट, ये फाइंड हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अब आगे चलते हैं. उसने बोला 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, 1.2 kg. तो देखो अब यहाँ पे इसी से कंपेयर करूँगा मैं पहले वाले से ही, वैसे तो सेकंड से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट से अगर कंपेयर करूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ है ना, अब इसको अभी रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको. अब इसको चलते हैं अपन, ये X1Y1 है,
अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, इसको इससे कंपेयर, यानी 1.2 केजी अगर शुगर है, यानी 2 किलो से कम हो गई अब शुगर, तो देखो 2 किलो से कम जब शुगर होगी तो उसके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, कम आएंगे। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है अपने को, कुछ उसमें वो मैथमेटिकल चीज नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, है ना। तो ये जैसे ही हमने ये रिड्यूस हुआ नंबर ऑफ इसका वेट, तो वेट कम होते ही क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या होंगे यहाँ से रिड्यूस होंगे, बट ऑब्वियस है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ रिलेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, गॉट इट और नॉट। तो ये वाला केस भी डायरेक्ट वेरिएशन पे ही चल रहा है। यहाँ तो हमें पता है एक्सरसाइज 13.1 है डायरेक्ट है, लेकिन हमें समझना आना चाहिए कि किस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आई एम रिमूविंग दिस। अब हम निकालते हैं, यहाँ हमें क्रिस्टल निकालने हैं कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो केस डायरेक्ट वेरिएशन का अगेन सेम, तो x1 y1 और ये x2 y2, वी हैव टू फाइंड दिस वन नाउ, गॉट इट। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो 2 upon अगेन 9 × 10^6 इज इक्वल टू 1.2 upon वी डोंट नो, दिस y2 ले लेते हैं, इसको y2 मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो या y3 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सब का रेशो इक्वली होता है, कोई परेशानी नहीं है। हमने इसको 2 मिनट के लिए स्किप करके x1 y1 x2 y2 कर दिया इसको। सो नाउ वी आर हैविंग दिस y2 वी हैव टू फाइंड। तो अगेन द सेम थिंग, y2 को इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो 1.2 × 9 × 10^6 upon और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी 2 में कट गया ये 0.6, तो 6 × 9 = 54, तो दैट विल बिकम 5.4 × 10^6 क्रिस्टल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ गए, 5.4 × 10^6 क्रिस्टल्स इज द आंसर फॉर दिख। देखो अब यहाँ पे 9 × 10^6 थे, यहाँ 5.4 × 10^6 है, तो रिड्यूस हुए नहीं हुए, देखो यहाँ पे वेट घटा और नंबर ऑफ क्रिस्टल भी रिड्यूस हो गए, गॉट इट और नॉट। सो इस तरह से अपन ये वाला कॉन्सेप्ट समझा हमने डायरेक्ट वेरिएशन का। नाउ विल टेक द इनवर्स वेरिएशन। अब हम इनवर्स वेरिएशन 13.2 के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, सो दैट दोनों एक्सरसाइज में आपके कवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13.2 विल टेक, 13.2 इज बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन, बट मैंने आपको पहले भी कहा है, आप ये मत देखेंगे 13.1 है या 13.2 है, यू हैव टू सी वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करना है हमको। 13.2 लेते हैं हम, 13.2 में विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम, 5th वाला लेते हैं चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन में लिखा है, फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड हाउ मेनी एनिमल्स, 20 एनिमल्स फॉर 6 डेज। यानी 2 कंटेंट आ गए हमारे पास इसमें, क्या क्या आया, एक तो एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, कितने एनिमल्स को फीड कर रहे हैं वो, तो वो हमें पता है, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने दिन। देखो खाना आता है हमारे एनिमल्स के, जो लोग करते हैं कैटल फार्मिंग वगैरह, तो उनके लिए जो है आता है फूड। तो एनालिसिस क्या करा उसने कि अगर मान लो 20 एनिमल्स हैं मेरे पास, तो उसमें 6 डेज तक वो फूड चल जाता है। देखो बिल्कुल बहुत आराम से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई वेरिएशन पहचानना बहुत इजी है। अगर एनिमल्स 20 हैं हमारे पास और फूड चलेगा 6 दिन, उसने एनालिसिस कर लिया, भाई 20 एनिमल पड़े हैं मेरे पास और 6 दिन का खाना मैं ले आया हूँ उनके लिए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हुआ क्या क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देर वर 10 more animals, अगर 10 और एनिमल बढ़ जाए। अब देखो सोचो, तुम्हारे घर में तुमने जैसे कहते हैं 5 आदमियों के लिए खाना बनाया, ठीक, तुमने कहा 5 आदमियों में खप जाएगा खाना, क्लियर। अब हुआ क्या, 5 की जगह 7 आदमी आ गए, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो खाना कम पड़ेगा हमें, ठीक है ना। या आप 1 महीने का राशन लेके आए 2 आदमी के हिसाब से, क्या आपने कहा भाई 1 महीने में 2 आदमी इतना खा लेंगे, अब 2 की जगह वहाँ पे आदमी हो गए 3, मेहमान आ गया वो 1 महीने के लिए, तो क्या होगा, वो खाना जो 1 महीने चलना था उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे 10 एनिमल बढ़ गए, यानी 20 तो थे ही पहले से। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है, 10 more animals लिखा है उसमें, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ पे 10 ले लो, ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को,
तो 10 मोर मतलब पहले 20 थे उसके पास, 10 और बढ़ गए। अब देखो नंबर ऑफ एनिमल्स जैसे ही बढ़े, ये जो खाना 6 दिन चलना था, क्या वो 6 दिन चलेगा? अब कैसे चल पाएगा? क्योंकि यहाँ कंजम्पशन बढ़ गया ना, आदमी जैसे यहाँ पे एनिमल्स बढ़े उनका जो है कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है, वो खाएंगे ना खाना। तो यहाँ इट इज़ अ केस ऑफ इसका तो बढ़ना हुआ लेकिन इसका घटना हुआ, ये समझ में आता है हमको कि इसका बढ़ना और इसका घटना मतलब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब इट इज़ अ केस ऑफ वॉट, इनवर्स वेरिएशन। ये पहचानना है बस हमें, बस इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हमें वैसे ही पता है, x1 into y1 is equal to x2 into y2। ये x1 y1 ले लेते हैं इसको, और इसको x2 y2 ले लेते हैं, गॉट इट? सो x1 इज दिस 20 into 6, x1 into y1 is equal to, this becomes 30 now, तो 30 into y2, we want to find this y2, तो y2 को यहीं छोड़ देता हूँ मैं, 20 into 6 upon 30, तो 0 से 0 कट गया और 3 में ये 2 कट गया, तो 2 जा, देखो 4 दिन खाना चल रहा है, आप समझो मेरी बात को, जो खाना 6 दिन चलता है 20 एनिमल्स के साथ, एनिमल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो खाने का कंजम्पशन जो है वो 4 डेज में ही वो कंज्यूम हो जाएगा, गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो ये केस हमने देखा इनवर्स वेरिएशन, पहचानना है, खुद केस पहचानो हमेशा, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम, फिफ्थ के बाद विल टेक एट्थ लेते हैं। चलो अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, इसमें भी कॉन्सेप्ट देखना बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है। एट्थ क्वेश्चन में अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। वी आर हैविंग टू कॉम्पोनेंट्स हेयर, क्या क्या कॉम्पोनेंट है भाई? एक तो मशीन्स हैं, ठीक है ना, और मशीन के साथ है हमारे पास डेज, मशीन और डेज, तो नंबर ऑफ मशीन्स, ये मशीन, एंड नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन काम चलेगा, मशीन कितने दिन में करेगी, बहुत सारी बातें हैं यहाँ सीखेंगे। फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करने हैं उस फर्म को, सो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्स 42 मशीन्स के साथ 63 डेज लग रहे हैं। अगर मैंने 42 मशीन्स लगा रखी हैं किसी काम पर, कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो इट विल बी टेकिंग 63 डेज। अब मेरे को आगे ऑर्डर आया, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब देखो सोचो अब कि अगर मैं ये कहूँगा भाई जो 63 डेज में काम करना है पूरा, मैं वो 63 डेज में ना करते हुए मेरे को 54 डेज में कंप्लीट करके दे दो, तो देखो यहां जैसे ही मैं नंबर ऑफ डेज घटाऊंगा इट विल, ये रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ डेज रिड्यूस करने मेरे को, यानी जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी काम करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मशीन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऑब्वियस बात है काम जल्दी करना है, नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये काम 54 डेज में कंप्लीट होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस, तो कौन सा वेरिएशन हुआ, एक का घटना एक का बढ़ना, तो इट इज अ केस ऑफ वॉट, इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन का केस है, एक का घटना, तो ये इतना मार्किंग किया अगर बहुत एनालिटिकल है, बहुत इजी हो जाता है इससे। x1 into y1 is equal to x2 into y2, कंडीशन तो याद ही है हमको, सिंपल x into y कांस्टेंट चलता है। 42 into 63 is equal to, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो x1 into y1 वी हैव डन, x2 वी हैव टू फाइंड एंड y2 वी नो हाउ मच, 54। So x2 we have to find, so we'll take this 54 in this denominator, this 54. 9 se kaat dete, 9 6 are 54, 9 7 are 63, and 6 se ye kat gaya 7 bar, so 7 7 are, so x2 means how many machines we have to take so that we have to complete this work in how many days, 54 days, dekho days kam hue, number of machines ko badhana pad gaya. क्योंकि बढ़ाना ही पड़ेगा इतने दिन में काम कंप्लीट करना है, तो गॉट इट और नॉट? सो एट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन लास्ट हम लेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना।
So now we'll take one more, that is ninth, मेरे ख्याल ninth, yes, we'll take ninth one. तो inverse direct term बहुत easy है, बस थोड़ा सा question को पढ़ के समझना है कि क्या हो रहा है उसमें और हमें करना क्या है. तो ninth में लिखा है, car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed. यानी time और speed दो concept चल रहे हैं इसमें. तो ninth question, यानी हमें क्या करना है, दो पहले दो हमको वो करनी है डिफाइन जो चीज हमें चाहिए यहां पर. एक तो टाइम है, यहां पर दो क्वांटिटीज है ना हमारे पास नंबर्स में, टाइम इन आर्स, ये आर्स में दे रखा है, एंड वी आर हैविंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आर. तो स्पीड किलोमीटर पर आर. सो टाइम इज टेकन बाय अ कार टू रीच द डेस्टिनेशन, 2 hours लगते हैं उसको. यानी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम शुरू से. अगर डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर दूं मैं कि उतना ही डिस्टेंस है, तो जैसे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा टाइम इसका इन्वर्स है. यानी स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एक्चुअली, इफ द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम घट जाएगा. कहीं भी जाना है मेरे को, स्पीड बढ़ा दूं तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और स्पीड को अगर घटा दूं तो टाइम ज्यादा लगेगा. बट ऑब्वियस है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे. देखना, टू है और यहाँ 60 है किलोमीटर पर आवर. अब हुआ क्या, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द कार इफ द स्पीड इज 80. देखो मैंने यहाँ क्या करा, 60 से कर दी 80, यानी 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड का, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं कार चलाते हैं स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है जहां पहुंचना होता है जल्दी पहुंच जाते हैं. अगर उस स्पीड से चलते रहे पुरानी वाली से तो टाइम ज्यादा लगेगा. स्पीड बढ़ाया यानी ये बढ़ी, स्पीड का बढ़ना तो टाइम का घटना, एक का बढ़ना और दूसरे का घटना, दैट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इनवर्स वेरिएशन. समझना इस बात को, मतलब देखो क्वेश्चन को पहले एनालाइज करोगे उसके बाद केस डिसाइड करोगे इनवर्स है वो है, क्लियर है ना. तो यहां पे स्पीड का बढ़ना और टाइम का घटना, बट ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा. सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नाउ विल सॉल्व, बहुत ईजी अब तो, एक्स टू वाई टू. So this is question mark. So what is the condition is x1 into y1 is equal to x2 into y2. Are you getting my point? ठीक है, तो x1 is 2 into 60 is equal to x2 into 80. तो we'll take x2 is equal to 2 into 60 upon 80. So इसको काट देते हैं अपन, 0 से 0 तो काट ही दो, 2 में काट दो 4. अब ये 2 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 2. मीन्स x2 की जो वैल्यू है दैट इज 3/2 hours. 3/2 इज 1.5 hours. यानी कितने घंटे में पहुंच जाएगा अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, तो डेढ़ घंटे में ही पहुंच जाएगा 2 घंटे की जगह. पहले 2 घंटे लग रहे थे क्योंकि स्पीड कम थी, स्पीड के बढ़ने से टाइम का रिड्यूस होना तय है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कौन इन दोनों में रिलेशन है इस तरह का. गॉट इट और नॉट? सो इन दिस वे वी कैन डू दिस. So I hope you have understood this concept of inverse and direct variation. आप लोग और questions की practice करें, इसी को repeat भी करा करें, ठीक है ना. So thank you very much. Thank you.